देखिए इस वीडियो में छिपकली ने अपनी पूंछ काट ली, लेकिन अब सवाल यह है कि इसने ऐसा किया क्यों और कैसे। छिपकली को अपनी पूंछ काटने का शौक तो नहीं है, ये इनका एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जब भी छिपकली खतरे में फंस जाती है तो इस प्रकार अपनी पूंछ काट देती है ताकि हमला करने वाले का ध्यान बढ़ सके और छिपकली अपनी जान बचाकर भाग सके। और ये ऐसा इसलिए कर पाती है क्योंकि छिपकलियों की पूंछ में कई वीक स्पॉट्स होते हैं और इनका डिफेंस मैकेनिज्म खतरा महसूस होते ही इन वीक स्पॉट्स से शरीर से पूंछ को अलग कर देता है। वैसे पूंछ अलग होने पर इन्हें दर्द भी होता है और ये तैर भी नहीं पाती, लेकिन शिकारी का स्नैक्स बनने से तो अच्छा है ये पूंछ अलग कर दी जाए। और पूंछ अलग होने के बाद इनकी 4 महीनों बाद नई पूंछ आ जाती है और छिपकली ऐसा कई बार लगातार कर सकती है। लेकिन ये नई बनी पूंछ पहली पूंछ जैसी नहीं होती, ये नई पूंछ हड्डियों के बजाय इम्परफेक्ट कार्टिलेज से बनी हुई होती है। छिपकली की पूंछ बहुत से न्यूट्रिएंट्स से भरी हुई होती है तो कई बार इन्हें बहुत ज्यादा भूख लगती है तो अपनी पूंछ को खा भी लेती है। आपको छिपकली और कॉकरोच में से किससे ज्यादा डर लगता है नीचे कमेंट करिए।